देखेंगे। पहला प्रश्न ही आज का, ठीक है, आज का पहला ही हेडलाइन से आपके बिहार की योजनाएं से, बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना, क्या नाम है? बिहार मार्गीय, ठीक है, सुविधा प्रोत्साहन योजना, मार्गीय सुविधाओं के विकास हेतु पर्यटन नीति 2023 के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य क्या हो जाएंगे? ठीक है, बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करेंगे तो राज्य के चिन्हित पर्यटन सर्किटों पे पर्यटकों को आधुनिक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है। पर्यटन विभाग 23 महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कुल राष्ट्रीय और राज्य मार्ग के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और बात के राज्य राजमार्ग के लिए कुल लागत का 50% प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। सुविधाएं 4 श्रेणियों के तहत विकसित की जाएगी। एक प्रीमियम होगा, प्रीमियम मानक बुनियादी और मौजूदा कामकाजी संरचनाएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन से सुविधाएं उपलब्ध होगी? तो रेस्टोरा होगा, फूड प्लाजा होगा, कैफेटेरिया होगा, ठीक है, शौचालय भी मिलेंगे, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली भी आपको इसको फर्स्ट एड जिसे प्राप्त हो सकता है वो सारा होगा। तो बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। पर्पस क्या होगा? पर्पस ध्यान में रखना है, राज्य के चिन्हित पर्यटन सर्किटों पर पर्यटकों को, ठीक है, आधुनिक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका पर्पस है, ठीक है। पर्यटक विभाग ने 23 महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किट राष्ट्रीय और राज्य मार्ग के लिए कुल लागत का 50% प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सुविधाएं 4 श्रेणियों के तहत विकसित की जाएगी। कौन कौन है? तो प्रीमियम होगा, मानक होगा, बुनियादी होगा और मौजूदा कामकाजी संरचना है, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं मिलेगी इसमें? तो सुविधाएं में आपको रेस्टोरा मिलेगा, फूड प्लाजा होगा, कैफेटेरिया होगा, ठीक है, शौचालय की सुविधा होगी, प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली की सुविधा होगी, ठीक है। तो ये योजना है, इंपॉर्टेंट है। सिंपल शब्दों में अगर देखेंगे तो बिहार में, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा योजना शुरू किया गया जिसका नाम है बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अब चलेंगे दूसरा, बिहार की आईटी नीति आ गई। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीति बिहार सरकार लेकर आई है 2024। क्या है इसमें? तो बिहार सरकार ने युवाओं के बीच रोजगार सृजन के उद्देश्य से बिहार आईटी नीति 2024 पेश की है, ठीक है। बिहार को पूर्वी भारत के आईटी हब के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बिहार को पूर्वी भारत के आईटी हब के रूप में स्थापित करना इसका क्या है? उद्देश्य है। अब इससे बहुत सारा प्रश्न बन सकता है, राज्य की नई आईटी नीति के महत्वपूर्ण सब्सिडी घटक क्या है? तो देखेंगे, पूंजीगत सब्सिडी की बात करेंगे तो 5 से लेकर 30 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने वाले निवेशकों को 30% की पर्याप्त सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। मतलब वैसे निवेशक, ठीक है, वैसे इन्वेस्टर जो कि 5 से लेकर 30 करोड़ रुपए तक के बिहार में निवेश करेंगे उनको कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, बताइए? 30% थर्टी सर। बिल्कुल 30% की सब्सिडी उनको मिलेगी। और ब्याज सब्सिडी क्या होगा? तो परियोजना लागत के 50% तक 10% ब्याज सब्सिडी या 5 वर्षों के लिए 40 करोड़ रुपए तक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ब्याज सब्सिडी की बात करेंगे, परियोजना लागत के 50% तक 10% ब्याज सब्सिडी सब्सिडी या फिर 5 वर्षों के लिए 40 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान में। या तो आपको ब्याज सब्सिडी, या तो ब्याज सब्सिडी की बात करेंगे, परियोजना लागत के 50% तक ब्याज की सब्सिडी होगा, ठीक है, तक 10% ब्याज सब्सिडी, कैसे लिख दिया ये सब्सिडी सब्सिडी, या 5 वर्षों तक 40 करोड़ रुपए तक, या तो 50 लागत का 50% हो सकता है, नहीं समझ में आ ब्याज रहा, सब्सिडी के मिस्टेक रूप लग में रहा। आपको 10% मिलेगा और परियोजना अच्छा लागत के रूप में 50% तक छूट मिलेगी। आई थिंक ऐसा लिखना चाह रहा जो था। भी हो, ठीक है, देख लीजिएगा इसे, इंग्लिश वाला में देख के समझ लीजिए, उसमें गलती नहीं होगा। बिजली सब्सिडी क्या होगा? 5 वर्षों के लिए ऊर्जा बिलों को 25% वार्षिक प्रतिपूर्ति, ठीक है, मतलब 5 वर्षों तक आपको बिजली सब्सिडी दी जाएगी, जितना ऊर्जा का बिल होगा उसका 25% आपको क्या होगा? सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार देगी, ठीक है। रोजगार सृजन सब्सिडी की बात करेंगे तो नियोक्ता कंपनियों के कर्मचारियों के, ठीक है, ESI EPF खाते में 5 वर्षों के लिए प्रति श्रमिक प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी भी आपको दी जाएगी। किराया सब्सिडी क्या होगा? 50% लीज रेंटल सब्सिडी यानी किराया किराया का भुगतान, ठीक है, तो 50% लीज रेंटल सब्सिडी यानी, ठीक है, किराया का भुगतान, ठीक है, ध्यान में रखना है। मेगा इकाइयों के लिए टेलरमेड पैकेज 100 करोड़ रुपए से, ठीक है, 1,000 रुपये तक का बड़ा निवेश करने के लिए तैयार लोगों के लिए इनमें निवेशकों और आईटी कंपनियों के सहयोग से टेलर मेड पैकेज का प्रावधान है, ठीक है।
इसको जरा एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो बिहार सरकार की आईटी नीति आ गई है 2024 का, ठीक है। क्या उद्देश्य रहे रानी के, तो बिहार सरकार युवाओं के बीच रोजगार सृजन के उद्देश्य से बिहार आईटी नीति 2024 पेश की है, ठीक है। बिहार को एक और भी पर्पस है इसका, बिहार को पूर्वी भारत के आईटी हब के रूप में स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। राज्य की नई आईटी नीति के महत्वपूर्ण सब्सिडी घटक क्या है, तो पूंजीगत सब्सिडी 5 से 30 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने वाले निवेशकों को 30% की पर्याप्त सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्याज सब्सिडी भी है, जो परियोजना लागत के 50% तक, और 10% सब्सिडी, ठीक है। परियोजना लागत के 50% तक बात करेंगे ना, तो 10% सब्सिडी होगी, या 5 वर्षों के लिए 40 करोड़ रुपया सब्सिडी होगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिजली सब्सिडी क्या होगी, तो बिजली सब्सिडी भी 5 वर्षों तक के लिए मिलेगी, जो कि ऊर्जा बिलों का कितना प्रतिशत होगा, तो 25% होगा। कितना होगा, 25% होगा। रोजगार सृजन सब्सिडी की बात करेंगे, तो नियोक्ता कंपनियों के कर्मचारियों के ईएसआई ईपीएफ खाते में 5 वर्षों के लिए प्रति श्रमिक कितने रुपए अधिकतम सृजन सब्सिडी के रूप में डाले जाएंगे, कितने होंगे, तो 5,000 रुपया। 5,000। कितने, 5,000 रुपया, ध्यान में रखेंगे। किराया सब्सिडी की बात करेंगे, तो 50% लीज रेंटल सब्सिडी, यानी किराया का भुगतान, ठीक है। मतलब किराया का भुगतान पे सब्सिडी कितना मिलेगा, तो इस पे भी 50%। मेगा इकाइयों के लिए टेलर मेड पैकेज स्थापित किया जाएगा, 100 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए तक का बड़ा निवेश करने के लिए तैयार लोगों के लिए, निवेशकों को आईटी कंपनियों की सुरक्षा टेलर मेड पैकेज का भी प्रावधान किया गया। वो किन के लिए टेलर मेड पैकेज, जो कि मतलब बड़ा इन्वेस्टर जो कि 100 करोड़ से ज्यादा और 1,000 करोड़ के मध्य के बीच में इन्वेस्ट करेंगे, उनके लिए, ठीक है। आप चलेंगे, बिहार लघु उद्यमी योजना एक आया है, क्या है ये, तो बिहार कैबिनेट ने सर्वे में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। तो बिहार कैबिनेट ने सर्वे में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने की मतलब मंजूरी दी है, इसको आपको देना है, देखना है। लघु उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो लघु उद्योग करने के लिए, शुरू करने के लिए बिहार सरकार कितने लाख रुपए की सब्सिडी देगी, 2 लाख 2 लाख रुपए की सब्सिडी देगी, ठीक है। पात्रता कौन होगा, किस परिवार इनके लिए अप्लीकेबल होंगे, तो वैसे परिवार जिनकी आय 6,000 रुपए से कम मासिक आय वाले परिवार जो होंगे उनको ये सब्सिडी मिलेगा। किनको मिलेगा, जिनकी आय 6,000 रुपये से कम मासिक आय वाले, ठीक है। सब्सिडी 3 किस्तों में मिलेगी, पहले किस्त पे 25%, फिर 50%, फिर मतलब क्या मिलेगा, 25%, ठीक है। ध्यान रखिए, 25%, 50% और 25%, 3 किस्तों में आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप बात करें किन क्षेत्रों को बढ़ावा देगा सब्सिडी से, ये खाद प्रसंस्करण, निर्माण, कपड़ा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों को मतलब बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम से, बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं। लिखिए, बिहार कैबिनेट ने सर्वे में चिन्हित 95 लाख परिवारों को, ठीक है, ये योजना से लाभान्वित करेगी, तो गलत हो गया, 94 होगा, ठीक है। कितने अच्छा, लाख रुपए देने की मंजूरी है, 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए पात्रता कौन से परिवार होगी, जिनकी मासिक आय 7,000 रुपया से कम है, कि कितने से कम है, छह छह हजार हजार रुपये रुपये से से कम कम है, ठीक है। है। सब्सिडी को 4 किस्तों में दिया जाएगा, 25 25 25, या फिर गलत है, 3 किस्तों में दिया जाएगा, क्या है, तो 25 है, 25 50 ठीक है, पच्चीस 50 है, और फिर मतलब क्या है, 25 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस बात करेंगे सब्सिडी जो मिलेगा, तो इसे किस क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, तो खाद प्रसंस्करण, निर्माण, कपड़ा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा इसे मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। उद्योग विभाग ने, ठीक है, उद्योग विभाग के एसीएस या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति इसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। आप चलेंगे देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। देखेंगे देसी गौ पालन, जो भी चीज आज आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको मैंने पढ़ाया था एक टॉपिक, बिहार सरकार, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कौन से प्रयत्न कर रही है, तो सारा तो उसी का हिस्सा है ना। देखिए, आप गौ पालन प्रोत्साहन दे रही है, लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही थी पीछे के क्वेश्चन में आपने देखा, ठीक है। तो देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना आई है, ठीक है। बिहार सरकार ने देसी गाय पालने के लिए एक नई योजना शुरू की है, इसके अंतर्गत 2 या 4 देसी गाय खरीदकर अपनी डेयरी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना की तहत, ठीक है, 2 या 4 देसी गाय खरीदकर क्या कर सकते हैं, अपनी डेयरी स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या क्या है, ईबीसी, ईबीसी का मतलब क्या होता है, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ईबीसी बोलते हैं, ठीक है। ईबीसी क्या होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है। एससी शेड्यूल कास्ट, और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे
इनमें दो गाय के लिए ठीक है 2,42,000 रुपया इनको दिया जाएगा, ठीक है। जिनमें से 75% सब्सिडी की बात करेंगे, 1 लाख, ठीक है, क्या होगा 75% सब्सिडी, ठीक है, 1,81,500 रुपया सब्सिडी हो जाएगा। फिर इसमें से 50% सब्सिडी, 1,21,000 रुपया दी गई सब्सिडी इस प्रकार है, ठीक है। तो ये आपको सब्सिडी मिलेगा, 4 गाय जो खरीदे उनको इतना सब्सिडी मिलेगा, ठीक है, देख रहे हैं ना। और जो 2 गाय खरीदेंगे उनके लिए ये सब्सिडी होगा, ठीक है। तो परसेंटेज पूछा जा सकता है कि परसेंटेज जैसे लागत 75% और कितना 50%, प्रतिशत ठीक है, ध्यान है आप रखेंगे। प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि बाकी चीजें तो याद करना डेटा हमको हाँ नहीं लगता नहीं इतना नहीं ठीक नहीं डाटा नहीं याद करना, बस 75% लागत का 75% दी गया है, जाएगा, ठीक है। तो लागत का या तो पचहत्तर प्रोत्साहन प्रतिशत या फिर प्रोत्साहन के रूप में आपको 50%, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ गया ना। लागत का कितना परसेंट, 75%, आप प्रोत्साहन के रूप में अगर बात करेंगे तो 50%, ठीक है। और सभी श्रेणियों के लिए लागत मूल्य की बात करेंगे तो सभी श्रेणियों के लागत मूल्य का 40% सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। मतलब SC ST EBC, EBC को बिहार में BC1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो उनको इस कैटेगरी के अंतर्गत 75-50 का सब्सिडी है। बाकी अदर कैटेगरी की बात करेंगे, जो भी गौ पालन को बढ़ावा देंगे उन सबके लिए कितने परसेंट सब्सिडी है, तो 40%, ठीक है। अब अदर में कौन रहेगा, जनरल जिनको बोलते हैं, EWS हो गया, BC कैटेगरी हो गया, ठीक है, जो BC2 बोलते हैं, क्योंकि BC1 BC2 में बिहार में बांट रखा है, सेंट्रल सीधे BC OBC के ऊपर बात करता है, ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल में क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, लेकिन बिहार में क्या हो जाता है, BC1, ठीक है, और BC2 हो जाता है, नहीं बिहार में बदल जाता है ना, देखते हुए रिजल्ट भी आता होगा दो अप्रोत्साहन कैटेगरी में। क्या होगा, प्रोत्साहन हाँ, में क्या आता प्रोत्साहन नहीं समझते हैं। ना? ये पहले ही पैसा दे रहा है सर प्रोत्साहन के रूप हाँ, में, ले लो अच्छी या फिर चीज है। सब्सिडी, ठीक है, दोनों मिलेगा। अब सब्सिडी करने का मतलब है कि आपने पैसा लगा रहा है लेकिन आपके पूरे पैसे नहीं है, तो उतना परसेंट जैसा आपको बिजली बिल आप सब्सिडी कभी देखे मिलेगा। अपना, बिजली बिल हाँ देखेगा ना, तो सबसे नीचे लिखे लगा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया सब्सिडी या कुछ पैसा घटा के लिखा हुआ रहता है, ठीक है, बिजली बिल पलट के रहता है, देखिएगा। हाँ खाद रहता खरीदने है जाते, खाद खाद का जैसे बोरा खरीदे, खाद का बोरा उस पर लिखा रहेगा ना 15,000 मैं रुपया, ठीक है, उस पर काट के लिखा रहेगा राज्य सरकार इस पे 1,000 रुपया सब्सिडी दे रही है, ठीक है, कीमत 500 रुपया, मतलब उसका कीमत 1,500 ही है, लेकिन उसको 1,500 रुपया किसी ने चुकाया, भले ही आपके जगह पे कुछ पैसा उसका कोई और दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसका पैसा उतना लग रहा है, ठीक है, वो सब्सिडी है, समझ गए। मतलब आपने पैसे इन्वेस्ट, मतलब वहां पे पैसा उसको मिल रहा है सब्सिडी के तौर पे, लेकिन कोई और भी दे रहा है, ठीक है। राज्य सरकार जिस चीज को बढ़ावा देना चाहती है उसको सब्सिडी देती है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाएंगे ना, 2 व्हीलर गाड़ी खरीदेंगे तो जितना गाड़ी का कीमत होगा उसका 10,000 रुपया राज्य सरकार सब्सिडी देती है, मतलब गाड़ी वाले कंपनी को पैसा तो मिल तो रहा है लेकिन राज्य सरकार उसका 10,000 रुपया भर रही है। आप प्रोत्साहन हुआ से मतलब जैसे आपने पहला ही आपको दे दिया से, चलो 1 लाख रुपया आपको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, आप इस पे काम कीजिए, ठीक है, जैसे मान लो 1,21,000 रुपया आपको दे दिए और आप गाय खरीद के पालना शुरू कर दिए, सब्सिडी आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी, तो वो होता है, ठीक है। अब चलेंगे मिशन सुरक्षा, ठीक है। तो ये गौ पालन योजना है, क्या चीज को बढ़ावा देने के लिए बिहार में है, गौ पालन प्रोत्साहन योजना डेयरी उद्योग डेयरी उद्योग के लिए, ठीक है, डेयरी उद्योग के लिए, ठीक है। अब चलेंगे मिशन सुरक्षा, ये क्या है, तो बिहार पुलिस ने शराब बालू और ड्रग्स माफियों पर लगाम लगाने के लिए 15 जिलों के संवेदनशील 11 इलाकों में 23 पुलिस कैंप स्थापित किए हैं, ठीक है। तो बिहार सरकार की बात करेंगे, पुलिस बिहार पुलिस ने, ठीक है, शराब बालू और ड्रग्स माफियों पर लगाम लगाने के लिए 15 जिलों में संवेदनशील 11 इलाकों में कितने पुलिस कैंप स्थापित किए हैं, 23, ठीक है। तेईस मिशन सुरक्षा का उद्देश्य राज्य में गंभीर अपराधों की घटनाओं पर मतलब क्या रोक लगाना है, गंभीर अपराधों में, ठीक है, अवैध मनी, गन फैक्ट्री, रेत माफिया, शराब माफिया और ड्रग तस्कर इत्यादि मतलब क्या है शामिल है, ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स जिसको STF कहते हैं, को मिशन की नोडल एजेंसी बनाया गया है, ठीक है। तो STF को क्या बनाया गया, मिशन का नोडल एजेंसी बनाया गया, ठीक है। मिशन सुरक्षा के तहत 18 संवेदनशील जिलों में कुल 50 विशेष पुलिस शिविरों की योजना भी बनाई गई है, ठीक है। तो मिशन सुरक्षा जो मुख्यतः अपराध को कम करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, जिसमें 15 जिलों के संवेदनशील 11 इलाकों में 23 पुलिस कैंप स्थापित किए गए, ठीक है, जिसका नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है।
स्पेशल टास्क एक फोर्स। और है बिहार सरकार का, ठीक है, मिशन जन सेवा, ठीक है। तो बिहार पुलिस ने ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए जन मिशन सेवा शुरू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। बिहार पुलिस ने ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी मिशन शुरू किया है, ठीक है, बताएगा। मिशन जन सेवा, कौन सा नाम है, मिशन जन सेवा शुरू किया है, ठीक है। इसके माध्यम से लोग पासपोर्ट, लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट आदि के सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इस सेवा में हम लोग क्या करेंगे, इस सेवा में ये होगा कि आपको, मतलब मान लीजिए आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो भाई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। लाइसेंस की बात करेंगे लेना है, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिशन जन सेवा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोडल एजेंसी क्या होगा, देखिए हर का एक नोडल एजेंसी होता है जो कि उसका क्रियान्वयन पे ध्यान रखती है। तो बिहार पुलिस का कानून एवं व्यवस्था विभाग, ठीक है, इसका नोडल एजेंसी होगा। हेल्पलाइन नंबर क्या होगा, कौन होगा, पुलिस सेवा 112 पुलिस सेवा 20 मिनट के भीतर पूरे राज्य में उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो 112 पुलिस सेवा ध्यान में रखेगा, 20 मिनट के भीतर पूरे राज्य में मतलब क्या हो गए, तो उपलब्ध हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। त्वरित सेवा है, ठीक है, त्वरित रैपिड सर्विस जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक रैपिड एक्शन फोर्स भी होता है, आप देखेंगे। एक और भी है तो बहुत चर्चा में रहा, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 दिन। इसमें क्या है, 75 दिन के अंदर में इसमें क्या करना है, जब से FIR दर्ज होता है केस का फैसला, मतलब FIR दर्ज वगैरह करके उसको मतलब वो करना है, ठीक है। बिहार पुलिस ने 1 जनवरी 2015 को मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज लॉन्च किया, ये जांचकर्ताओं के लिए, ठीक है। FIR, FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। पंजीकरण के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य बनाता है, ठीक है। मतलब जिस दिन FIR दर्ज हुआ उसके 75 दिन के भीतर, ठीक है, देख रहे, मतलब दिन भी ले रहा 75 दिन, लोगों को लग रहा है 75 दिन के अंदर जांच करके बहुत बड़ा काम करी, लोगों को 75 दिन कम लग रहा है, मतलब FIR होने के 1 सप्ताह के अंदर में सब कुछ हो जाना चाहिए, अढ़ाई फिर महीना 75 दिन ले रहा है, 2.5 महीना, ठीक है। तो 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य बनाता है। बिहार सरकार राज्य पुलिस को अधिक जन अनुकूल और जवाबदेह बनाने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये सारे के मतलब सारे मतलब किसकी कि योजना है, पहले जो होता मतलब था अगर, 375 दिन में होता था, अब पचहत्तर हाँ दिन में कर हाँ मतलब रहा पहले इससे अधिक दिन में है। होता होगा, नहीं तब तो इसको उपलब्धि मान रहा है। चलिए अब हम वही लोग बात है देखेंगे, ना, 30 मिनट आधा घंटा वाला। आप चलिए कुछ जल्दी से जो हम लोग पढ़ रहे थे, बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन की बात करेंगे। किसको बढ़ावा देने के लिए है, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, किसको, पर्यटक, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने। बिहार IT नीति 2024 की बात करेंगे तो ऊर्जा बिलों में कितना प्रतिशत की वार्षिक प्रतिपूर्ति सब्सिडी दी जाएगी, बिजली के बिल 25%। में 25% की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलना है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए की मतलब सब्सिडी दी जाएगी, मतलब दो मदद लाख राशि कितनी रुपए होगी इसमें, 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। कितने किस्तों में पैसे मिलेंगे, 3 किस्तों में, तीन 3 किस्तों में। इसके किस्तों पात्रता के पात्र कौन है, कौन है इसके पात्र, में 6,000 रुपए से से कम कम वाले, मासिक आय वाले, बिल्कुल 6,000 रुपए 6,000 रुपए वाला। से कम वाले, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब हमको देसी गौ पालन प्रोत्साहन राशि के तहत, ठीक है, किस किस कैटेगोरी को विशेष लाभ दिया जा रहा है, एबीसी एससी एसटी को, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बाकी को बाकी 40% का लाभ है। को 40%, ठीक है। मिशन सुरक्षा के तहत कितने जिलों में पुलिस अपना कैंप स्थापित कर रही है, 15 जिलों 15 जिलों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मिशन सुरक्षा के तहत हो गया, चलिए मिशन जन सेवा के तहत मतलब पुलिस मतलब क्या कार्य करेगी, सर, लाइसेंस वगैरह बनाएगी, लाइसेंस पासपोर्ट वगैरह बनाएगी ऑनलाइन कि जांच करेगी, आवेदन सत्यापन कर करेगी, सकती ठीक है। है, सत्यापन करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से पासपोर्ट, लाइसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। पहले थाना भी जाना पड़ता है, ठीक है, आपका पासपोर्ट आएगा घर पे ना, मैंने बना रखा है, तो उसको बुलाने आएगा आपको घर पे, ठीक है। अब बुलाने आएगा ना, तो थाना पे जाके ना बुलाने आएगा, उसका बहुत अजीब तरीका, 2 गो आदमी को साथ में ले जाना पड़ेगा जो कि आपका गवाही देगा, ठीक है। उसके बाद थाना में कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो आपको जान पहचान का, जो कि आपको गाँव का आदमी है, पहचानता है वो आपको, ठीक है, मतलब चौकीदार टाइप का, फिर जाके उसका चौकीदार पासपोर्ट को मतलब वेरीफाई करता है, तो बड़ा अजीब सा प्रोसेस, पैसा भी लेता है, ठीक है। अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 में कितने दिनों के अंदर,
भी लेता है। जांच को पूरा करना है, ठीक पचहत्तर है। पचहत्तर हाँ, अब बिहार पुलिस मतलब इसे दिमाग क्या लगा पता है, पचहत्तर ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करेगा और उसको कैंसिल कर देगा, बोलेगा आप थाने में नहीं जैसे जाति आवासीय आय तो प्रमाण पहले पत्र के लिए बुलाता है अप्लाई उसके बाद कीजिएगा देता ना ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, तो ऑनलाइन कीजिएगा ना, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर आदमी परेशान होकर फिर ब्लॉक में जाता है, ठीक है, फिर पैसा लेता है, फिर बना देता है, ठीक है। तो ये लोग अपना एक अलग से व्यवस्था बना रखा है। चलिए अब चलेंगे सरकारी योजनाएं, ठीक है। क्या चलेंगे सरकारी, किसका सरकारी योजना है? केंद्र सरकार की, ठीक है। केंद्र सरकार सरकार की योजनाएं अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो केंद्र सरकार की योजना में सबसे पहले योजना देखेंगे, कौन सा योजना है? तो सबसे पहले पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को मंजूरी दी, जिसमें वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दे दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसमें 5 उप योजनाएं भी शामिल है, इसको समझेंगे। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 2021 से 26 अवधि के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा इसका? तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से, ठीक है, संबोधित करना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से मतलब क्या करना, संबोधित करना, इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसमें 5 कौन कौन से उप योजनाएं शामिल है, ठीक है। तो कौन कौन सा उप योजना है उसको भी देख लेते हैं। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, जिसको एक्रॉस कहते हैं। दूसरा की बात करें महासागर सेवाएं, ठीक है, मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट के नाम से इसको जानते हैं। ध्रुवीय विज्ञान क्रायोस्फीयर अनुसंधान, जिसको पेसर के नाम से जानते हैं। भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान, जिसको SAGE कहते हैं, ठीक है, अनुसंधान शिक्षा परीक्षण आउटरीच, ठीक है, पहुंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सब 5 उप योजनाएं भी इस योजना में आपको शामिल है, पृथ्वी विज्ञान योजना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों, वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल, जीव मंडल से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी जो 5 योजनाएं जो है ना, ठीक है, इस सबके सब जो है, ठीक है, मतलब 5 घटक से संबंधित है। एक वायुमंडल से कोई, जलमंडल से कोई, भूमंडल से कोई, हिममंडल से कोई, जीव मंडल से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पूछा जाएगा कैसे, प्रश्न बता दो, पूछा जाएगा पृथ्वी विज्ञान योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इसे, ठीक है, केंद्रीय इसे इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के विज्ञान विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ठीक ही है, क्योंकि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, अवधि के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि 21 से लेकर 26 तक अवधि है, इसको ध्यान में रखेगा। उप योजनाओं के साथ हेर फेर कर सकता है, क्योंकि 5 उप योजनाएं है, ध्यान में रखेगा। और साथ में पूछेगा पृथ्वी प्रणाली के तहत, ठीक है, 6 घटकों को शामिल किया गया है, ठीक है, जबकि कितने घटक है? 5 घटक है, ठीक है, या कितने घटक है? 5 घटक है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलेंगे पीएम जनमन, ठीक है। पीएम जनमन के तहत आदि जनजातीय गांव में सौर विद्युतकरण किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। पीएम जनमन के तहत जनजातीय गांव में, ठीक है, क्या सौर विद्युतीकरण किया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। पीएम जनमन योजना इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा चर्चा में है, ठीक है। पीबीटीजी समूह से संबंधित है, ठीक है। कौन सा? पीबीटीजी, जो कि आदिवासी से नहीं है, क्या होता है पीबीटीजी का फुल फॉर्म? विशेष रूप से कमजोर जनजाति होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। पार्टिकुलरी क्या होता, वल्नरेबल ग्रुप, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीबीटीजी की बस्तियों गांव में नई सौर ऊर्जा योजना को पीएम जनमन के तहत मंजूरी दे दी गई, ठीक है। अब क्या क्या इससे होगा? 1 लाख पीबीटीजी घरों का विद्युतीकरण हो जाएगा। बैटरी बैंक के साथ ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पैक की स्थापना द्वारा बहुउद्देशीय केंद्रों का सौरीकरण होगा, ठीक है। इसे 2023-24 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। इसकी निगरानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसकी निगरानी कौन करेगा? तो एक तो भाई ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा, कौन सा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और दूसरा कौन हो जाएगा? जनमन योजना किसका योजना है, ठीक है, मोदी जी ने लॉन्च किया, लेकिन जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित है ना। जी सर। अब पीबीटीजी क्षेत्र से संबंधित डिस्कॉम की बात करेंगे, क्रियान्वयन एजेंसी है, ठीक है। पीबीटीजी का मतलब क्रियान्वयन एजेंसी की बात करेंगे तो कोई डिस्कॉम हो जाएगा, ठीक है, क्या नाम है? डिस्कॉम। तो पीबीटीजी जो था काफी अधिक
कितने पीबीटीजी समुदाय है, 18 राज्यों में कितने थे, 75 थे ना, 75 75 ठीक है। आप चलते हैं पीएम जनमन के बारे में कुछ चीजें हैं और भी देख लेते हैं। इसका लक्ष्य पीबीटीजी घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ जल आदि जैसे बुनियादी सुविधाओं को संतृप्त करना है। इसमें 9 वर्ष में 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप शामिल है, ठीक है, सॉरी 3 वर्षों में 9 मंत्रालय, ठीक है। वर्षों की संख्या कितनी है, तीन ठीक है, 3। कितनी मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, मंत्रालय की संख्या पूछ सकता है, ठीक है, ग्यारह ठीक है, 11 महत्वपूर्ण, ठीक है, योजनाएं वगैरह को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, पीएम जनमन। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इससे तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पीएम मोदी ने नई छत और सौर ऊर्जा की घोषणा की। इसके तहत 1 करोड़ घरों आवासीय उपभोक्ताओं को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी, ठीक है, घर पर मिलेगा, ठीक है, दुकान फैटिक पे नहीं मिलेगा, ठीक है। परिवारों को हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, 300 यूनिट, ठीक है, ध्यान रखो 300 यूनिट। ये 40 गीगावाट छत और सौर ऊर्जा लक्ष्य तक पहुंचने में, ठीक है, पहुंचने में मदद करने का प्रयास है, ठीक है। इससे पहले मार्च 2026 में आवासीय क्षेत्र में भारत की छत पर सौर स्थापित क्षमता को 40 गीगावाट तक विस्तारित करने के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया। तो इसी से मिलता जुलता एक और भी कार्यक्रम है, इसको रूफटॉप सौर कार्यक्रम है। कब शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया। अभी मोदी जी लेकर है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, 300 यूनिट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 300 यूनिट मिलेगी, ठीक है। अब इस पे और भी देख लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता दिसंबर 2023 में 7331 है, ठीक है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के बाद 1108 गीगावाट है, इसको 20 गीगावाट करना है, 20 ही करना था ना, नहीं 40 करना था, कितना करना है, 40 गीगावाट करना है, ठीक है। और साथ में कुल सौर क्षमता रैंकिंग की बात करेंगे 180 गीगावाट, कुल सौर क्षमता रैंकिंग की बात करेंगे 180 है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, 180 गीगावाट। तो आपको ध्यान में रखना है भाई साहब, हमको 40 गीगावाट तक 2026 तक बढ़ाकर कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी 2014 में इसे मिलता जुलता योजना शुरू हुआ था, इसका नाम है रूफटॉप सौर कार्यक्रम। अभी मोदी जी ने नया स्तर से इसको लॉन्च कर दिया, जो कि हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रारंभ होगी, ठीक है। अब देखेंगे एक और कार्यक्रम है, प्रेरणा कार्यक्रम। कौन सा प्रेरणा कार्यक्रम है, तो शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक, ठीक है, अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम को लॉन्च किया, ठीक है। तो प्रेरणा कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या होगा, तो प्रतिभागियों के नेतृत्व गुणों के साथ साथ सशक्त बनाना, ये भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारशिला है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रेरणा कार्यक्रम की बात करेंगे, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब पर्पस की बात करें, प्रतिभागियों के नेतृत्व गुणों के साथ साथ सशक्त बनाएगा, ठीक है, ध्यान में, पर लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है। अब आएंगे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ठीक है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग से क्या याद आ रहा है, ठीक है, बोइंग यूएसए की बहुत बड़ी, ठीक है, क्या है, एरोस्पेस की कंपनी है, सॉरी एरोस्पेस बनाता है, फ्लाइट फ्लाइट की एरोस्पेस बनाता है, हाँ ठीक है, एरोप्लेन वगैरह, पांचवे वाले चलो। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का लॉन्च कहाँ पे हुआ था, बैंगलोर में जेट लॉन्च बनाती है, हुआ। फाइटर जेट, नहीं, पब्लिक लोगों को चढ़ने के लिए भी गाड़ी बनाती है। अरे बोइंग का प्लेन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, पब्लिक जो चाहती है जिस प्लेन को वो भी बनाती है, ठीक है। अब बात करेंगे बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की बात करेंगे, ठीक है। तो लॉन्च कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में लॉन्च हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी उड़ान है, सबके सब बोइंग का ही तो है, मोदी जिस प्लेन पे जाते वो भी बोइंग का ही है, ठीक है। उद्देश्य की बात करेंगे, पूरे भारत से देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में अधिक लड़कियों के प्रवेश का समर्थन करना, तथा लड़कियों और महिलाओं को, ठीक है, STEM क्षेत्र में, एस क्या लिखा, STEM स्टेम होगा ना, स्टेम, ठीक है, स्टेम क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने में सहायता करना, ठीक है। युवा लड़कियों के लिए कार्यक्रम, ठीक है, स्टेम करियर के में रुचि जगाने में मदद करने के लिए 150 नियोजित स्थानों पर, ठीक है, STEM लैब बनाएगा,
ठीक है, तो ध्यान रखें, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की बात करेंगे, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, पर्पस सिंपल सा है, महिलाओं को मानन क्षेत्र में, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है। अधिक जानकारी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम लड़कियों के पायलट बनने के सपनों को साकार बनने में और ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। भारत में कुल पायलटों में लगभग 15% महिलाएं, जो वैश्विक औसत का 3 गुना है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब भारत में स्थिति ठीक ठाक है, वैश्विक औसत का कितना है, 3 गुना है। मतलब जितना, मतलब विश्व में टोटल विश्व में 5% ही पायलट है, भारत में 15% महिलाएं पायलट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम बेंगलुरु में लॉन्च किया, पर्पस क्या है पता हो ही गया आपको, ठीक है। आप चलेंगे आयुष दिशा, आयुष मंत्री कौन है, सर्वानंद सोनेवाला, क्या नाम है, सर्वानंद सोनेवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दिशा की आधारशिला रखी। ये भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन के विकास के लिए अपनी तरह का पहला केंद्र है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्री की बात करेंगे, सर्वानंद सोनेवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दिशा की आधारशिला रखी। ये भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन के विकास के लिए अपनी तरह का पहला केंद्र है, ठीक है। इसे केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्था CARI भुवनेश्वर के परिसर में विकसित किया गया, ठीक है। एक योजना है, इसका नाम है श्रेष्ठ योजना। कौन सी योजना, श्रेष्ठ योजना आई है, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र योजना अर्थात लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवास की योजना की बात करेंगे, जिसको श्रेष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र योजना अर्थात लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, ठीक है, श्रेष्ठ है। मतलब इस श्रेष्ठ योजना में क्या है, मतलब वैसे क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पे बच्चों को मतलब विद्यालय के अंतर्गत, ठीक है, आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना, मतलब साथ में लिविंग भी रहेगा, ध्यान में इसको रखना। उद्देश्य क्या होगा, किसको मतलब इसको मतलब टारगेट किया, लक्षित क्षेत्र का आने का मतलब करें कौन लोग टारगेटेड है, तो SC कैटेगरी, सामाजिक आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना, ठीक है, उन्हें हाँ अनुसूचित जाति की, हाँ अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना, यह पहल, ठीक है, एनजीओ, यह पहल एनजीओ द्वारा प्रशासित अनुदान प्राप्त संस्थाओं और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों में लागू की जाएगी। मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के द्वारा, ठीक है, आयोजित प्रवेश परीक्षा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं किसी को भी चुन लेंगे, एक मतलब टेस्ट होगा, ठीक है, उस टेस्ट में पास करना पड़ेगा, उसके बाद जो बच्चे जो चुने जाएंगे वो इनमें शामिल लेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है, ठीक है, मतलब वो बच्चे भी किसमें होने चाहिए, अनुसूचित जाति के बच्चे होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ओवरऑल, ठीक है, मतलब होता है ना अनुसूचित जाति के अंदर ही जो मेधावी बच्चे होंगे सो इसमें चुने जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाम क्या है, श्रेष्ठ। लाभ क्या होगा, तो इसमें लाभ सिंपल सा होगा भाई साहब, उनको पढ़ने के साथ साथ रहने खाने की भी सुविधा वहां पे उपलब्ध होगी, ठीक है, क्लियर। आप चलेंगे मेडिटेक मित्र, ठीक है, कौन सा योजना है, मेडटेक मित्र, ठीक है। ये स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य सेवा समाधानों को सशक्त बनाने आगे बढ़ाने की एक रणनीतिक पहल है। ये भारत में उभरते उद्यमियों और उन्वेषकों के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। भारत 1947 तक देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपना रहा है, ठीक है। इसी इसे नीति आयोग के अटल नोवेशन मिशन के मार्गदर्शन में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा समन्वित किया जाएगा। तो कौन सा योजना है, ठीक है, मेडिटेक मित्र है, ठीक है। किस चीज से संबंधित है, मेडिटेक मित्र स्वास्थ्य से संबंधित है, किस चीज से संबंधित योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित है। यह स्वास्थ्य सेवा समाधानों को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने की एक रणनीतिक पहल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब पर्पस क्या है इसका, तो भारत को 2047 तक देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपना रहा है, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो 2047 तक स्वास्थ्य परिदृश्य को पूरी तरीके से बदलना है और स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण को अपनाना है, इसके लिए मेडिटेक मित्र। देखिए एक और भी पोर्टल आ गया, पोर्टल समझते हैं ना क्या होता है, पोर्टल का मतलब एक तरह का हाँ वेबसाइट होता है, ठीक है, ठीक है। आप चलेंगे ई समृद्धि पोर्टल, किसके द्वारा लॉन्च किया, सहकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया। सहकारिता मंत्री कौन है, अमित अमित शाह, ठीक है। ई समृद्धि पोर्टल को, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया, ये भारत भर में, ठीक
तुवर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण खरीद और भुगतान के लिए एक मंच है। तो ये बड़ा सुंदर हो गया प्रश्न, ठीक है। पूछेगा इस समृद्धि पोर्टल का संबंध किससे है। तो तुवर के दाल सरकार जो उत्पादक जो किसान जो है ना उनके पंजीकरण करवाया गया, उनके खरीद और भुगतान के लिए संबंधित है। कौन सा दाल? तुवर का दाल। कैसा होता तुवर का दाल? अरहर का अरहर नहीं नहीं पता, आता उसी को तुअर तूर बोलते हैं। होता अरहरे है, को ही बोलते तूर हैं नहीं होता, तुअर, तूर होता अरहर को बोलते हैं। ठीक है। है, यस इसके माध्यम पढ़िएगा से तो पूरे ना, उसको पढ़िएगा। ठीक है, इसके माध्यम से नाफेड और ठीक है एनसीसीएफ के पोर्टल पे पंजीकृत किसानों ने दालों का बफर स्टॉक खरीदा जाएगा। ठीक है, इसे नई दिल्ली दिल्ली में आयोजित दलहन में आत्मनिर्भरता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान लॉन्च किया गया। सिंपल प्रश्न आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो इस समृद्धि पोर्टल जो है किसान से संबंधित है, जो कि मतलब किस किसान के, तो दाल के तुअर दाल के किसान से संबंधित है। ठीक है, उनके लिए मतलब खरीद बिक्री करने का एक मंच है। ठीक है, अब आते हैं ईआरनेट। ठीक है, ईआरनेट इंडिया वेब पोर्टल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिनको बोलते हैं मैती ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए ठीक है ईआरनेट इंडिया का एकीकृत वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया। क्या नाम है इसका? ईआरनेट। ईआरनेट ठीक है, इंडिया का एकीकृत वेब पोर्टल को लॉन्च करे किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह पोर्टल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। आज हमने 10 तक करवा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ये खत्म कर देता हूँ। नहीं ठीक है, नहीं ज्यादा है क्या? हाँ सर, रहने हाँ देते हैं, सर, क्या करे, खत्म करे कि रन दे? क्योंकि ये पढ़ा ही हुआ तो है, आप जो करवाए हैं ये सब प्रसादम वगैरह। भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीम प्रसादम। ठीक है, प्रसादम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। पढ़ाया था ना उज्जैन, सवेरे वाले क्लास में तो आप पढ़ाते ना, महाकोल, महाकोल बोले महालोक, उज्जैन में जो है वहां पे लॉन्च महाकाल, किया गया था, महाकाल। ठीक है, तो भारत की महाकाल, पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, इसको प्रसादम बोलते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रसादम का उद्घाटन किया। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन के नीलकंठ वन महाकाल लोक, ठीक है, महाकाल लोक में ठीक है भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। इसे मानसिक स्वास्थ्य की जांच की सुविधा के लिए ठीक है मैनहिट ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रसादम का उद्घाटन किया। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में ठीक है भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। इसे मानसिक स्वास्थ्य की जाँच सुविधा के लिए मैनहिट ऐप को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है मैनहिट ऐप का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिए, मानसिक स्वास्थ्य की जाँच से, किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य की जांच से मैं मैनहिट ऐप का संबंध है। ठीक है, अब आते हैं तो भारतीय वन एवं लकड़ी। ठीक है, भारतीय वन एवं लकड़ी परमानंद योजना। ठीक है, लक्ष्य की बात करें, क्या इसका लक्ष्य है? तो भारत के काम कर रहे निजी विदेश परमानंद एजेंसियां के द्वारा एक विकल्प प्रदान करना। ठीक है, भारत भारत में काम कर रहे निजी विदेश परमानंद एजेंसियों के द्वारा एक विकल्प को मतलब क्या करना, प्रदान करना। ठीक है, इसको बोले भारतीय वन एवं लकड़ी परमानंद योजना। ठीक है, और क्या है इसमें, तो देखते हैं। स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण की पेशकश करके भारत में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना है। आईएफडब्ल्यूसीएच का संचालन भारतीय वन प्रबंधन संस्था IIFM ठीक है भोपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च बड़ा देहरादून में है। ठीक है, लेकिन अगर प्रबंधन की बात करेंगे तो भोपाल में है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन कहाँ है? ठीक है, भोपाल में। अब भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा हाँ ठीक है, NTPS वन नेशन वन पास। ठीक है, क्या है NTPS का? वन नेशन वन पास ये क्या होता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया। ठीक है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया, वन नेशन वन पास जिसको कहते हैं। ठीक है, ये पूरे भारत में लकड़ी बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध परिवहन को सक्षम करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पूरे भारत में लकड़ी बांस और अन्य उपज वन उपज के निर्बाध परिवहन को सक्षम करेगा NTPS वन नेशन वन पास। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS को लॉन्च कर दिया है। ठीक है,
आप देखेंगे आर्कटिक के लिए शीतकालीन अभियान शुरू किया गया, किसके लिए? आर्कटिक के लिए। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आर्कटिक के लिए पहला भारतीय शीतकालीन अभियान शुरू किया। ये भी ध्यान रखेगा, एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था आर्कटिक के लिए जो मिशन जो भेजा जाता है किस मंत्रालय के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? उद्देश्य क्या रहेंगे इसके लिए, आर्कटिक के लिए शक्तिशाली अभियान जो जा रहा है इसके लिए उद्देश्य क्या रहेंगे? तो भारत की वैज्ञानिक गतिविधियों को अन्य महत्वपूर्ण और मुख्य आर्कटिक क्षेत्र तक विकसित करना इस अभियान को, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस बोलते हैं कि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना के तहत सुविधा प्रदान की गई है। पेसर के बारे में पढ़े थे ना, पांच उप योजनाएं थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, उसमें एक पेसर भी था। तो इस अभियान को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस की पोलर साइंस क्रोमोस्फीयर रिसर्च पेसर के द्वारा सुविधा प्रदान की गई, ठीक है? तो आर्कटिक के लिए शीतकालीन अभियान चला गया जिसको भेजने के काम किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। रैंप योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रैंप योजना से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है, कौन से अंतरराष्ट्रीय संस्था रैंप योजना को मतलब क्या करती है, सहायता प्रदान करती है? तो विश्व बैंक करती है। कौन सी? विश्व बैंक, ठीक है? विश्व तो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ये, ठीक है? कौन सी? रैंप योजना, ठीक है, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है, ठीक है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने कार्यक्रम के तत्वावधान में तीन उप योजनाएं शुरू की। ये तीन उप योजनाएं क्या है? तो एमएसएमई रहित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्त पोषण योजना, सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसएमई योजना, विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसएमई योजना है, ठीक है? तो ध्यान में इसको रखना, तीन उप योजनाएं शुरू की गई है, रैंप योजना की था, ठीक है? आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट निकल, इसका नाम है क्या, प्रोजेक्ट प्रयास, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन, ठीक है, IOM, IOM ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया। क्या उद्देश्य रहेगा प्रोजेक्ट प्रयास का? तो विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से इच्छुक प्रवासी भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को मतलब सुविधा बर्बाद करना है, ठीक है? अब देखिए, बहुत लोग विदेश में तो काम करने चले जाते हैं, छात्र लोग भी पढ़ने तो चले जाते हैं, लेकिन उनके रहने के खाने का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता विदेश में, ठीक है? तो उनके लिए, छात्रों के लिए या फिर मजदूरों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास का सुविधा मतलब क्या करना है, प्रदान करना है। प्रयास का मतलब युवाओं और कुशल पेशेवर के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट प्रयास बहुत बढ़िया है, ठीक, इसके द्वारा शुरू किया, विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी किया, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन और साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ गए? अब आते हैं बीज निधि योजना, ठीक है? नोडल एजेंसी कौन है? अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का, ठीक है? ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान में रखना है, बीज निधि ऐसा नहीं कि मतलब किसान से संबंधित कोई डिपार्टमेंट होगा, अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार है, ठीक है? क्या है? तो एकल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की, ठीक है, निजी कंपनी की गतिविधियों की निगरानी करना और अनुमति देना, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के स्टार्टअप्स के लिए एक सीड फंड योजना का अनावरण किया गया, ठीक है? तो ये सीड फंड ही होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा ना, सीड फंड याद रखिए, ठीक है? ये हिंदी करके ना इसका गड़बड़ कर दिया है, ठीक है? क्या लिखा होगा वहां पे? सीड फंड ही लिखा होगा, ठीक है? तो कौन है इसका नोडल एजेंसी सीड फंड का, ठीक है? तो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार, ठीक है? क्या है? एकल विंडो, सिंगल विंडो, ठीक है, सिंगल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना, अनुमति देना, ठीक है, उसके लिए आया है, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र स्टार्टअप के लिए एक सीड फंड योजना का अनावरण है। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शहरी विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, ठीक है? ध्यान रखें, किस क्षेत्र में काम करने के वाला को? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वालों को 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी प्रदान करने की काम करेगी प्रोजेक्ट, वो क्या नाम है इसका, सीड फंड योजना, फिर बीज निधि योजना, ठीक है? तो ध्यान रखें, यही के सारे करंट अफेयर्स है। योजना से एक क्वेश्चन रहते हैं, एक बिहार से रहेंगे, एक भारत से रहेंगे, ठीक है? तो एक बार इसको पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे नेशनल, राष्ट्रीय, ठीक है? तो बहुत मजा आएगा इसमें, थोड़ा ये वाला सेक्शन जो होता है ना योजना, बोरिंग होता है।